सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का यार सबसे पहले तो मेरे चैनल पे इस एक और नई वीडियो के अंदर। तो यार आप सभी लोगों को पता है कि पबजी हमारा बैन हो चुका है और उसके अनबैन होने के अभी तक चांसेस नहीं लग रहे हैं। मतलब पहले उम्मीद थी कि पबजी अनबैन हो जाएगा, बट अभी जो रिपोर्ट्स वगैरह निकल के आ रही है रिसेंटली, उसके हिसाब से हमें नहीं लगता कि वो अनबैन होने वाला है। तो काफ़ी लोगों ने नई नई गेम्स पर शिफ्ट कर लिया है और काफ़ी लोगों के पास मतलब उनको आइडिया नहीं है कि क्या गेम खेले और कौन सी खेले। तो यार देखो, अभी जो भी बंदा गेम खेल रहा है वो सिर्फ टाइम पास पर्पज़ के लिए खेल रहा है, कोई भी कम्पिटिटिव या कोई भी ई-स्पोर्ट्स वाला सिनेरियो नहीं है किसी भी गेम में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पांच ऐसी गेम्स बताने वाला हूँ जो आप लोग अच्छे से खेल सकते हो और आपको उनको खेलने के बाद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होएगा उन गेम्स में। क्योंकि यार सीन क्या है, जिस बंदे के पास अच्छे डिवाइस है उसके पास गेम्स की कमी नहीं है, उसको अच्छी हाई ग्राफिक्स की गेम मिल जाएंगी इजीली प्ले स्टोर पे। बट जिस बंदे के पास थोड़ा लो एंड डिवाइस है, 2-3 GB वाला रैम वाला फ़ोन है, उन डिवाइसेस में क्या सीन होता है, उतने अच्छे ग्राफिक्स की गेम हमें नहीं मिल पाती, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि खेलें तो क्या खेलें। तो इस वीडियो में पांच ऐसी गेम्स हैं जो मतलब आप लोगों को खेलोगे तो काफ़ी इंटरेस्ट आप लोगों का क्रिएट होगा। तो अब हम डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पर जो तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो और वीडियो को लाइक कर दो यार गाइस। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो भी ये गेम, मतलब आप लोगों को जो भी गेम अच्छी लगे वो बताना ज़रूर कि हाँ यहाँ से मैंने देख के वो गेम खेली है। तो डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो फिफ्थ नंबर पे हमारी गेम है वो है यार ये निंजम। तो सीन क्या है, ये गेम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये काफ़ी पुरानी गेम है और ये मैं काफ़ी टाइम से खेलता आ रहा हूँ गेम। तो इसमें आप लोगों को कुछ ऐसा खास नहीं करना होता, एक तरह से मतलब अन एंड होने वाली गेम है, लेकिन आप लोग अगर इसको खेलोगे तो आप लोगों को 2-3 बार में इसमें इतना इंटरेस्ट बन जाएगा कि हाँ एक बार खेलने लगे तो आप 1 घंटे से पहले मतलब इसको नहीं छोड़ने वाले। तो सीन गेम्स में आप लोगों ने सिंपल ऊपर की तरफ भागना होता है, जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं उससे बचना होता है। तो गेम काफ़ी देखने में आप लोगों को सिंपल लग रही होगी, बट जैसे जैसे आप एडवांस लेवल जाओगे आप लोगों को डिफ़िकल्टीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और हाँ, एक बार आप मरे तो आपको दोबारा से नीचे से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये नहीं होगा कि आप लोग वहाँ से बच सकते हो या कुछ भी। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली गेम की तरफ, फोर्थ गेम की तरफ। तो गाइस जो हमारी फोर्थ नंबर पे गेम है वो ये वॉलीबॉल गेम है। और ये गेम भाई इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है ना, मतलब मैं इसको फर्स्ट नंबर पे भी रख दूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको एक बार खेलो भाई और आप लोगों को इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। और इसमें यहाँ तक कि मल्टीप्लेयर मोड भी मिलता है आप लोगों को, जिससे आप सामने आपके जो अगेंस्ट में बंदे होंगे वो रियल प्लेयर्स आएंगे। तो ये सीन क्या होता है, इसको आप वही बात है यार, जैसे पबजी में स्टार्टिंग में बोर्ड्स आते हैं तो वो ईजी लगते हैं, वैसे ही जब स्टार्टिंग में कोई भी गेम खेलोगे वो इजी लगेगी, बट जैसे जैसे आप उसके एडवांस लेवल पे जाओगे तो वो हार्ड होती जाएगी। और ये गेम मैं यार घंटों घंटों खेलता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है। और आपको ये नहीं लगेगा कि आप गेम खेल रहे हो, आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ, ये लगेगा कि आप खुद वॉली खेल रहे हो, मतलब इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है। और ये सारी गेम्स प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं, जो इससे पहले गेम बताई थी निंजम वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये गेम भी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मेरे को बताना है कि आप लोगों ने इनमें से कोई गेम खेली है या नहीं खेली, नीचे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना है ये चीज़। तो आप लोग देख सकते हैं मतलब अभी ये इजी लग रही है यहाँ पे, बट जैसे जैसे मैं आगे अब मेरा लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग है अभी, मतलब वीडियो बनाने के लिए मैंने सारी गेम्स को एक बार रीइंस्टॉल करा और स्टार्टिंग से ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा यहाँ पर डिफ़िकल्टी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम बन चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ, थर्ड गेम की तरफ। सो गाइस, थर्ड गेम ऑन आवर लिस्ट इज़ दिस वेक्टर 2। तो ये गेम क्या है, ये गेम मेरे हिसाब से मोस्टली लोगों ने खेली हुई होगी, बट मेरे को ये गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और मैंने जब इसको खेल कर देखा तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। इसमें मैं आप लोगों को बेसिकली बता दूँ, इसमें फ्लोर्स होते हैं कि बंदे को वो फ्लोर्स क्लियर करने होते हैं, 1st फ्लोर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर, ऐसे आप लोगों के फ्लोर्स बढ़ते जाते हैं। और ये जब मैं इस पर भाग रहा हूँ, जैसे 3rd फ्लोर है तो मेरे को इसको क्लियर करना है, जितने भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे सारे मेरे को अपने आप क्लियर करने पड़ेंगे। कहीं पर जंप करना है, कहीं पर बॉम्ब रखा हुआ है, जैसे रेड कलर का पीछे आप देख सकते हैं बॉम्ब है, अगर मैं इस पर मतलब छू दूंगा अपनी बॉडी को तो वहीं पर मैं ब्लास्ट हो जाऊंगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। और हाँ, मतलब पबजी बैन होने के बाद मेरा इन्हीं गेम्स से काम चल रहा है, बिकॉज इनको खेल के यार मैं बिल्कुल बोर अपने आप को फील नहीं करता और काफ़ी अच्छा मेरा इनसे टाइम पास हो जाता है। और ये भी नहीं कि पबजी की तरह इनको 4-5 घंटे खेलते रहो, मतलब 1-1.5 घंटा खेला अच्छा खासा बंदे का टाइम पास हो जाता है और माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो इस गेम को भी यार आप लोग ज़रूर ट्राई करना, इसमें जैसे जैसे आप आगे जाओगे इतनी इसकी हार्डनेस आ जाएगी, मतलब हर जगह बॉम्ब्स मिलेंगे, हर जगह कुछ कुछ मिलेगा और काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ये। मतलब अभी 3rd फ्लोर है और इसमें आप लोग देख सकते हैं काफ़ी जगह बॉम्ब्स वगैरह थे, थोड़ा मेरे को प्रैक्टिस है इसलिए मैं इतनी इजीली क्लियर कर पा रहा हूँ,
वरना एक जो बिगिनर होएगा उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस गेम को भी यार एक बार ज़रूर ट्राई देना और मेरे को बताना नीचे ज़रूर कि कैसी लगी आपको। तो गाइस नेक्स्ट गेम पे जाने से पहले आप लोगों से एक मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। एक जैसे आप लोगों को पता है पबजी बैन होने के कारण सारे जो उसके कस्टम्स वगैरह हैं वो बंद हो गए हैं। अच्छे कस्टम जो थोड़े बहुत बंदे ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं करा पा रहे। तो सीन क्या है, एक मेरे से एक बंदे ने बात करी थी, तो वो क्या सीन है, वो अपने कस्टम्स ऑर्गेनाइज़ कराना चाह रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये सजेशन लेना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं कस्टम्स के लिए तो आप लोगों को उस सर्वर पे बहुत अच्छे क्वालिटी वाले कस्टम्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो तो मैं उस सर्वर के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा और उसमें हर एक बंदे को मोस्टली चांसेस हैं कि स्लॉट्स मिलेंगे, क्योंकि एक लार्ज स्केल पर वो सर्वर बनेगा। और हाँ, सब कुछ उसमें प्रॉपर मेंटेन्ड होएगा, कोई भी उसमें दो नंबर वाली बातें नहीं होंगी कि किसी को स्लॉट मिल रहा है या स्लॉट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने बंदों को ही स्लॉट दे रहे हैं। तो जैसा भी हो, आप लोग मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप कस्टम्स खेलने में इंटरेस्टेड हो अब भी। तो चलते हैं अपनी सेकेंड गेम की तरफ। सो गाइस सेकेंड गेम ऑन आवर लिस्ट इज शैडो फाइट 2। इसका शैडो फाइट 3 भी आ चुका है पार्ट, बट वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना ये है। तो इसमें बेसिकली आप लोगों की एक तरह से आप निंजाज होते हो दोनों, और आप लोगों की फ़ाइट होती है। और आप लोग देख सकते हैं जैसे कि गेम का नाम है वैसे ही एक तरह से ऐसा लग रहा है कि शेडो ही फाइट कर रही है। तो यहाँ पर आप दोनों में फ़ाइट होगी, और जो भी आप लोगों ने जैसे टेकन वगैरह खेली हुई होगी कभी, तो उस टाइप की ये गेम है। और इसमें आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा खेलने के बाद। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट हाँ इसका जो कॉन्सेप्ट है गेमिंग का वो काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको सेकेंड नंबर पर डाला। वरना सेकेंड पर आने के लिए और भी बहुत सारी गेम्स हैं, बट इसमें धीरे धीरे जैसे आप खेलोगे तो आप इसमें नए नए इक्विपमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। जैसे कि अब मेरे पास ये दो नाइफ्स टाइप आ गए हैं, इनको मैंने अपने साथ इक्विप कर लिया, तो अब इनके थ्रू मैं मतलब मुक्के नहीं मारने पड़ेंगे मेरे को, तो इनके साथ खेल पाऊँगा। तो इस गेम का कंसेप्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इस गेम को सेकेंड नंबर पर डाला है। तो उम्मीद है आप लोगों को भी ये गेम पसंद आएगी। एंड अब चलते हैं अपनी फाइनल गेम फर्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस फर्स्ट गेम ऑन आवर लिस्ट इज दिस इंडिया। ये गेम एक ऐसी गेम है जो इंडिया क्या हर एक जो मतलब बच्चे होते हैं ना उनका सपना होता है ये गेम खेलना, और ये बच्चा ये गेम खेलता है और इतना ज़्यादा पागल होता है इस गेम के पीछे। तो यस दिस गेम इज़ एज यू ऑल नो वाइस सिटी, GTA वाइस सिटी। और ये GTA की सबसे पहली गेम है आई थिंक जो मतलब मैंने खेली थी, वो सबसे पहली यही गेम थी। और ये यस आप लोगों के लिए मोबाइल वर्जन में भी अवेलेबल है, बट प्ले स्टोर से अगर आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर पेड है। तो इसका मैं फ्री वाली का लिंक नीचे पोस्ट कर दूंगा। तो भाई ये वाली गेम है ना, ये तब भी एंड थी और आज भी एंड है। GTA 5 तो भाई आजकल हर कोई बंदा खेल रहा है, बट सीन क्या है, वही है यार, ओल्ड इज़ गोल्ड। इस गेम को खेलने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब देखो यार, मोबाइल हो या लैपटॉप हो, हम लोग कोई भी गेम मिशंस के लिए नहीं खेलते, हम लोग खेलते हैं मज़े के लिए। तो भाई इसमें भी वही बकचोदी करनी होती है यार, हम लोगों ने किसी को पेल रहे हैं, किसी की गाड़ी चुरा के भाग रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों में हम लोगों को मज़ा आता है। कोई हम मिशंस करने के पर्पज़ से गेम नहीं खेलते, मतलब वो टाइम चले गए जब बंदे हाँ मिशंस करने के पर्पज़ से खेलते थे। आजकल जो मोस्टली खेलते हैं वो सिर्फ टाइम पास और थोड़ा फन करने के लिए खेलते हैं गेम्स को। तो उसके लिए ये गेम भाई पूरी परफेक्ट है, ओपन वर्ल्ड गेम है अपना, कहीं मर्जी जाके बंदे पे लो, किसी की गाड़ी चुरा के भागो। हाँ बट रियलिटी में ऐसा मत करना यार, वरना इसमें तो पुलिस आप लोगों का लिव मी अलोन चीट लगा के भाग जाती है। रियलिटी में नहीं भागने वाली, रियलिटी में आपको भगा भगा के पेलेगी, ऐसा रियलिटी में मत कर देना। गेम में इंजॉय करना और आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा ये गेम खेलने के बाद। काफ़ी क्या यार, मोस्टली लोगों ने खेली ही होगी, बट फ़ोन पे खेलने का इसका एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है। और मैं तो क्या करता हूँ, कभी कभार गेम में जिगल करने लग जाता हूँ क्योंकि आदत पबजी वाली डली हुई है। बट जो भी है ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको ट्राई ज़रूर करना। लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो प्ले स्टोर पे आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं, बाकी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज यही थी बस आज की वीडियो, एंड उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करें भी ना मत जाना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब का बटन ठोक दो, दबा दो फटाफट से। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, और काफ़ी टाइम बाद वीडियो लाऊँ तो सपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा। और मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।